वेलकम वेलकम एवरी वन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेल यू, मैंने ट्रेलर देखा है ठीक है, लेकिन ये बड़ी स्क्रीन पे ट्रेलर देखने का मजा ही कुछ और है. एंड आई जस्ट कांट वेट फॉर यू ऑल टू यू नो जस्ट वॉच इट एंड यू जॉन ऑफ प्लस ऑल द टैलेंट हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ये फ्रेम देखो, क्या फ्रेम है, क्या फ्रेम है. ओके ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू से माय नेम इज आशीष चंदलानी, आई एम अ यूट्यूबर. आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ बिकॉज आई हैव टू. यू कैन सी द पीपल हियर, इनके सामने क्या मेरे को इंट्रोडक्शन देना ही पड़ेगा. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम आई वुड फर्स्ट लाइक टू कॉल मिस्टर करण जौहर ऑन स्टेज. करण सर, कैन वी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज. हेलो करण सर, वेलकम. सो करण सर, हाउ एक्साइटेड आर यू? Well, I think that you can tell the palpable excitement in the room. I have never in my years of actually producing and directing films, I don't think I've ever seen this level of energy and this level of excitement for the release of a trailer, and justifiably so, because this is a universe that I think Hindi cinema and Indian cinema hasn't yet seen. So I think that we should not waste any more time, yeah. Ashish. Yeah, let's. And I think we should really, really, really show everybody this labor of love, this labor of this universe, and this man Rohit Shetty that has created this dynamo of a trailer with this illustriousness that is there in this front row. This is the first time Indian cinema has a universe like this, where you have the collision and the collaboration of three mega movie stars coming together with, of course, the gorgeous Katrina, which we can't forget. So I think we should show them. Yeah, let's go. We should show them the trailer, not once, but twice. So are you guys excited for the trailer? तो बस शुभकाम में देरी क्यों, लेट्स शो द ट्रेलर, लेट्स गो. देखा कितना बड़ा है ट्रेलर का इंपैक्ट. वाह, व्हाट अ वंडरफुल ट्रेलर. ये ट्रेलर का इंपैक्ट जो छोटे स्क्रीन पे नहीं बड़े स्क्रीन पे था ना, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग. मतलब मजा आ गया, मतलब एकदम पब्लिक तो मतलब फाड़ देने वाली है थिएटर में, फाड़ देने वाली. क्या बोलते हो रणवीर सर? पुलिस आया, पुलिस. ओके, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज द मसाला मूवी मेकर, द हिट मशीन, रोहित शेट्टी. रोहित सर प्लीज कम ऑन स्टेज. नहीं आ रहे हो? आ जाओ ना. ऐसा अभी देखा मैंने, इतना पब्लिक है कि मीडिया है क्या? हाँ भाई. तो रोहित सर, अभी आपने तो मेरे को ट्रेलर दिखाया था, लेकिन अभी ये पब्लिक के साथ ट्रेलर देख के आपका रिएक्शन कैसा था? अभी इनको पूछो, हमारा काम तो हो गया. अरे बताओ सर को कैसा रिएक्शन था, कैसा लगा ट्रेलर? हाँ चल आगे बढ़ते हैं. अभी आगे बढ़ते हैं सर, अभी हम लोगों को किसको बुलाना है नेक्स्ट स्टेज पे, आप बताओ. कैसी हुई इसकी? सिंगम से शुरू हुई. Exactly. तो सिंगम को बुलाना पड़ेगा सबसे पहले. कैन वी प्लीज हैव हिम ऑन स्टेज, अजय देवगन सर. आज ट्रेलर मैंने पहली बार देखा, ये वाला. तू क्या कर रहा है? लिपस्टिक लगा रहा है? ये लिपस्टिक क्यों लगा रहा है ये? I have loved the trailer. Fabulous, fabulous trailer. Mind blowing. मतलब अजय सर आप भी इधर ऐसे ही टर्न ऐसे एंट्री आपने इधर अंधेरी में ऐसे ही मारा एकदम, इधर थिएटर के बाहर ऐसे गाड़ी घूमते घूमते बाहर आए. अभी हर फिल्म में वही करवाते हैं वो. तो सर मतलब इट स्टार्टेड ऑफ विद सिंगम एंड नाउ द यूनिवर्स हैज ग्रोन लाइक दिस. मतलब हाउ इज योर फीलिंग अबाउट इट? मतलब डिड यू एवर एक्सपेक्ट कि दिस वुड ग्रो इनटू दिस सच मैसिव फ्रेंचाइज? नो, नेवर. नो, आई डोंट थिंक फर्स्ट में ऐसा लगा था. फर्स्ट में बिल्कुल नहीं लगा था. लेकिन आई वाज अमेज्ड कि जो फर्स्ट में जो रिस्पॉन्स आया, मेल्स का तो आता ही है, बट फॉर एन एक्शन फिल्म फर्स्ट टाइम आई सॉ के वुमेन रिएक्टिंग टू सच अ गुड कॉप काइंड ऑफ अ फिल्म.
तो वहाँ से फिर उसकी वो रिलीज होने के बाद ऐसे लगा कि अब ये फ्रेंचाइज बढ़ता जाएगा, लेकिन रोहित तो कहाँ तक लेके जा रहा है ये फ्रेंचाइज, विच इज़ फैबुलस। इट इज़ क्रेजी हाउ द यूनिवर्स हैज़ ग्रोन। अभी हम प्राउडली कह सकते हैं इंडिया के पास अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स है, शेट्टी सिनेमैटिक यूनिवर्स। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस। चलो अभी मिस्टर एनर्जी को बुलाते हैं स्टेज पे, द वन एंड ओनली माई फेवरेट, माई सिंधी ब्रदर सर, सुपर स्टार मिस्टर रणवीर सिंह, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज? हाँ, ट्रेलर का नशा अभी चढ़ा है। हाँ, क्या ट्रेलर है यार, अच्छा लगा कि नहीं? पब्लिक आवाज करो, पब्लिक पहली बार तीन तीन एक साथ, और सोने पे सुहागा कैटरीना जी आप भी, क्या डायलॉग दिया आपने, बाय गॉड दिल छू गया, हार्ट फेल्ट स्टफ। सर आई एम जस्ट टू एक्साइटेड, I don't know whether I'm excited that I'm sharing screen space with my screen idols. I don't know whether to be excited for Rohit sir. This is really a one of a kind vision. Truly, like Karan said, the first of its kind. I'm as excited as an audience. Trailer ka kya kaam kya hota hai? Aapko thoda sense de ki aap cinema hall mein jaoge to aapko kaise feeling aayegi. अब ऐसी फीलिंग आएगी, आप सोच सकते हो पूरा ढाई घंटे के बाद क्या फीलिंग आएगी आपको, बार बार जाओगे, टिकट बुक कर लो, पब्लिक आ रही है, पुलिस नहीं सर, आपकी आपका ट्रेलर आपको अक्षय सर, अच्छा प्लीज हैव यू ऑन स्टेज। क्या था ये पानी ये लिपस्टिक पता नहीं क्या है ये, वो मैंने अजय सर की पप्पी लेनी थी तो मैं लिप्स मॉइस्ट कर रहा था मैं, ये पानी की बोतल, तांबा है सर इको फ्रेंडली, और ये दांत साफ करने के लिए, ये तू तीनों चीजें लेके क्यों? ये आपके बेनिफिट के लिए है सर, मेरे मैं आपके सामने बैठा था ना तो मैं ऐसे ऐसे पास आके बोल रहा था क्या ट्रेलर है बॉस। बेटे मेरे बेनिफिट के लिए अगर तू सही टाइम पे आ जाता वही बहुत होता। अच्छा बाय द वे हम लोग लेट नहीं होते, इसने लेट कराया आज, आप लोगों को वेट कराया 40 मिनट, वो उनको पता है, पता है ना, those who don't know, अभी ये ले तेरी, अक्षय सर ने उठक बैठक करवाई है रणवीर सिंह से बिहाइंड द स्टेज। हाँ क्यों नहीं, तुम लोग को अलग मजे लूटने हैं। खैर बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, आप लोग सब आए यहाँ हमारा ट्रेलर देखने के लिए। वैसे मेरी कई फिल्में मैंने करीबन 135, बेटे यही आवाज है, 135 फिल्में रिलीज की हैं, पहली बार मैंने इतने सारे लोग देखे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद रोहित साहब का कि रोहित साहब ने इतनी अच्छी बड़ी फिल्म बनाई है, और आई होप हम इसे ये फिल्म जो है आप सबको भाई, और अजय जो मेरे पुराने मित्र हैं, हम दोनों ने अपना करियर साथ में ही शुरू किया था, और ऐसा शुरू किया था कि एक ही फिल्म के लिए दोनों लड़े थे। पहली फिल्म जो हमारी थी फूल और कांटे, जिसमें पहले मैं था फिर मुझे धक्का मार के इसने लिया। ऐसे कई फिल्में ऐसे रही हैं आपस में, साथ में हम दोनों ने अपना करियर शुरू किया और आज यहाँ तक पहुँचे कि हम लोग कितनी फिल्में साथ में कर चुके हैं। साथ में मेरे हैं हमारे भाई साहब लेट लतीफ। मैं छोड़ूंगा नहीं बेटा तेरे को। 40 मिनट ये इंसान लेट आता है। खैर हाँ, और आके बहाना पता क्या बनाता है, बोलता है मेरी बीवी टाउन में रहती है। मेट्रो के ऊपर उसने डाला है, बोलता है मेट्रो की वजह से कम मैं लेट आया हूँ। खैर चलो आया तो सही। हाँ जी, शादी जल्दी कर दी, ए कौन बोला?
चलो ठीक है, अब करण साहब कहाँ गए? बिजी, अपना अलग इंटरव्यू चालू है इधर। अब हम बुलाते हैं कटरीना कैफ को, जो कि बुलाते हैं मतलब उठना है। कटरीना कैफ जी, जोरदार तालियां इनको। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस फिल्म के अंदर इसने एक ऐसा सीन किया है, मैं बता सकता हूं रोहित साहब वो सीन के बारे में जो आपने देखा है? मतलब मैं दंग रह गया था कि इतना कमाल का सीन किया है। एंड आई बिकम अ बिग फैन ऑफ कटरीना कैफ एंड हर एक्टिंग टैलेंट। सो मतलब पहले नहीं था? नहीं पहले नहीं था, मैं झूठ बोलता ही नहीं। ये सीन के बाद? हाँ, ये सीन के बाद बना हूं। पहले मैं इनके हुस्न का था। अब मतलब शी हैज डन सो ब्रिलियंटली इन दिस फिल्म एंड आई हैट्स ऑफ टू हर, कि एक लड़की जिसको हिंदी का एक शब्द नहीं आता था इस इंडस्ट्री के अंदर आई और अपना आज मतलब सबसे बड़े बड़े हीरों के साथ ये काम करती है। जोरदार तालियां इनके लिए। सो कटरीना जी, अब आप कुछ कहें। रणवीर, अब के ब्यूरी लिपस्टिक क्यों नहीं लगाते? प्रमोशन। मुझे पैसे निविया दे रहा है मैडम। जिस दिन के मेरा चिक काटेगा मैं के लगा लूंगा इसमें क्या। थैंक यू एवरीबॉडी, इट्स बीन an incredible journey on this film. To be a part of Sir's vision has just been, it's been really, really special. But I think we've all seen what incredible work he's done and how the trailers are absolutely amazing. But more than anything, I just want to say one thing about Rohit Sir here, that he's really, really, really one of the most incredible human beings that I've had the opportunity of working with. And it's been an absolute pleasure, sir, working with you. And all of Thank these you. Incredible boys as well. And all of these boys as well, and to be working with Akshay again after a few years has also just been absolutely incredible. Okay, now I would like Karan Johar sir, upar aaye. Huge round of applause for Karan Johar, everyone. You know, we're going to open this up to all of you, and I think you've seen the magic and madness of this universe. And I know you got some flack for coming late, but understand. But I think that, you know, it was well worth it. Your bit in the, and what Akshay and what Ajay have done has just been absolutely fantastic. And Katrina, I've seen the film anything, and I know how fantastic you are in it. We have not done anything he's made us do. Everything. So, and I have to say, and just one thing before I invite some other members on stage, I have to say that this man is a bona fide rock star. Visionary. Like, either, I think that it takes a certain kind of talent, a certain kind of ability to create this kind of universe, and he does it every year. Like, yahan 5 saal se maine ek film direct nahi ki, aur in 5 saalon mein inhone kuch 2000 crore already bana liye. So I really believe that I have so much to learn. In fact, from all the members on this stage, I was telling Ajay, मुझे टेक्निक सीखना है। मैं आके actually master class लेने वाला हूँ, जिस खूबसूरती से इन्होंने तानाजी बनाई। और ये जो करते हैं, ये जो सिंगम करते हैं, ये कोई और नहीं कर सकता। Akshay, I've had the great fortune of doing multiple films with, and I have to say that there is no better person to deal with, work with, and a mega bona fide movie star. Katrina has always been as gorgeous and as stunning as ever, and I've seen the film, and I can assure you that what Akshay said is like 100% correct. She is amazing in this film. But the heart and soul of this franchise and this universe is this man, so give it up for the one and only Rohit Shetty. Rohit Shetty. Now there are... I'd like to invite on stage a man who stood solidly with Rohit right through, the group CEO of Reliance Entertainment, Shibashish Sarkar. And my partner in crime, Apurvan Mehta, CEO Dharma Productions. Shibashish, congratulations. Well, my lucky day, at least one woman has fallen on me. that's fine, Katrina. I have your back. We're going to open this out. Ashish, I'm sorry I'm doing your job, but it's no, out. No, it's much fine. More kind of problem. We can proceed with the media interactions. Yeah, that's what now, I'm saying. Right? I think let's we can open give it up. Them a chance.
We have one request, ladies and gentlemen, if you can keep the questions related to this fantastic universe, this film that's going to release at a theater near you on the 24th of March, 24/7, as you know. So keep the questions related to us, the film, the franchise, all these mega movie stars, and the mega filmmaker himself.